सारंगढ़ के ग्राम अमलीपाली में दूसरी पत्नी के साथ सुनियोजित हत्या के वारदात को अंजाम देने वाले दंपति पुलिस हिरासत में आए। आरोपी पत्नी अपनी दूसरी पत्नी के साथ मिलकर ऐसी कहानी रची। एक हफ्ते तक पुलिस सोच में थी, आखिर यह हत्या है या हादसा। वो कहते हैं ना, अपराध करने वाला सुराग छोड़ ही देता है। ठीक वैसा ही हुआ जब TI आशीष वासनिक ने अपने दिमाग की घंटी बजाई और मृतिका मोहन मती के हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजा। आरोपी पति राजू साहू और उसकी दूसरी पत्नी चांदनी ने 6 मई की सुबह 10 बजे मोहन मती की किसी भारी वस्तु से सर में मारकर मौत के घाट उतार दिया और बड़े ही सुनियोजित तरीके से उसकी डेड बॉडी दिन भर और रात 12 बजे तक घर पर ही रखे थे। उसके बाद किसी को शक न हो, पास के ही तालाब में जहां मृतका की डेड बॉडी मिली थी वहां आरोपी राजू ने अपने कंधों पर लाद कर ले गया और तालाब में डाल दिया। पीछे पीछे उसकी दूसरी पत्नी चांदनी ने हत्या को हादसा बताने के लिए मृतका के सारे सामान, साबुन, शैम्पू, कपड़े वहां रख दिए ताकि लोग देखकर यह समझें कि मृतका मोहर मती नहाते वक्त डूबकर मरी है और किसी को शक न हो। खुद सारंगढ़ थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दिया। 5 साल के बच्चे की मदद से हत्या के कहानी से उठा पर्दा। सर विगत दिनों हत्या हुई मामले पे दो आरोपी पकड़ाया है सर। 6 मई को पठारीपाली गांव में एक महिला की डेड बॉडी तालाब में मिली थी, इस पर मर कायम कर जांच किया जा रहा था। कल डॉक्टर ने उसकी PM रिपोर्ट दिया है। PM रिपोर्ट में मृतिका की मौत का कारण हत्या आया है, इस पर जांच की गई। जांच पर यह पाया गया कि जो मृतिका है उसका पति और आरोपी पति की दूसरी पत्नी, इन दोनों ने मिलकर मृतिका की हत्या कर उसकी डेड बॉडी को तालाब में फेंक दिया था और सीन क्रिएट किए थे कि ये नहाने आई हैं, कपड़ा शैम्पू को उसमें पचरी में रख दिए थे। उन्होंने इस बात को कबूल नहीं किया। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? दोनों के खिलाफ 302-234 धारा लगाकर रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया।